स्किल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक होगा, जिसमें हम यूएस आयल, यूरो, यूएसडी और गोल्ड को एनालाइज करेंगे। पहले हम पिछले वीक जो एनालाइज किया था यूएस आयल को, उसको देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि जो है वो नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। यहाँ पर हमने जब एनालाइज किया था आयल को तो 74 के आसपास था, और मैंने ये कहा था कि ये एक सेंट्रल एरिया बन रहा है, ऊपर जो रेजिस्टेंस एरिया है उससे भी नीचे है और सपोर्ट एरिया इसने टेस्ट नहीं किया हुआ। तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो ये यहाँ से नीचे आ जाएगा यहाँ तक, या थोड़ा बहुत अप, यहाँ से फिर दोबारा अप जाने के चांसेस होंगे, और अगर ऊपर की तरफ निकल जाता है तो फिर ऊपर 76 तक होगा, और 76 वाला एरिया अगर ब्रेक ना हुआ तो फिर यहाँ से दोबारा नीचे होगा। इस तरह की पोजीशन थी हमारी एनालाइज की। यहाँ पर ओपन के बाद जो है वो एक दिन थोड़ा सा नीचे आया यहाँ तक, और उसके बाद दोबारा क्लोज ऊपर ही दिया इसने ले जाके, और यहाँ से फिर दोबारा ऊपर की तरफ गया और 76 के पास वीकली क्लोज हो गया। तो ये थी हमारी पिछले वीक की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक यूएस आयल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीक के लिए अगर आयल की हम बात करें तो इस टाइम जो ये जोन है इसके नीचे स्टे कर रहा है। अब देखना ये है कि वैसे ये जब नीचे की तरफ मूव हुआ था तो अपसाइड भी ब्रेक करके ही नीचे आया था, तो अब दो चीजें हो सकती है, या तो ये अगर इसको प्रॉपर यहां से रिजेक्ट होता है टेस्ट करके तो फिर ये दोबारा नीचे आ जाएगा, और अगर इस जोन के अंदर अंदर रह के भी नीचे इसको ब्रेकआउट करके और क्लोज कर देता है और नीचे स्टे करता है तो फिर भी चांसेस यही होंगे नीचे आएगा। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर देता है, चाहे शेडो ब्रेक ही हो चाहे क्लोज हो, अगर शेडो ब्रेक भी कर देता है तो फिर चांसेस होंगे इसके इस तरह ऊपर मूव करने के। अब फिलहाल करंट पोजीशन जो है वो यही नजर आ रही है, नीचे की सपोर्ट टेस्ट तो नहीं की है लेकिन पॉसिबल है यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी एक माइनर लेवल बनता है तो ये उसके आसपास से जो है वो ऊपर आया है, लेकिन यहाँ से नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी आ सकता है। अगर तो ये इसको प्रॉपर टेस्ट रखता है, ब्रेक ना कर पाए और यहाँ पर रिजेक्शन शो करे तो फिर यहाँ तक आ जाएगा। और दूसरा जो है वो ये है कि अगर ये इसको ब्रेक करता है लेकिन जोन इससे ब्रेक ना हो, जैसे शेडो ब्रेक भी भले हो जिस तरह होता है ना, यहाँ पर आपने देखा होगा ये इस तरह शेडो ब्रेक हुआ हुआ है, जैसे ये ऊपर जोन से ऊपर हुआ हुआ है, इस तरह अगर कर देता है, इस तरह अगर ये शेडो ब्रेक कर देता है तो फिर जो है वो इस तरह के चांसेस होंगे। और दूसरा ये है कि अगर ये जोन के अंदर ही रहता है, मतलब यहाँ से ये जोन के अंदर ही रहता है, ब्रेक ना कर पाए इसको और नीचे आ जाए, और ये जोन जो 76 वाला एरिया है इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आ जाए, तो फिर जो है वो दोबारा सेम इस तरह होगा। तो अभी करंट पोजीशन जो नज़र आ रही है यूएस आयल के अंदर वो यही है। अब देखना ये कि ये इस जोन पे जो है वो क्या करता है, अगर तो ये यहाँ से रिजेक्ट होता है तो फिर नीचे, और अगर इसको पूरे जोन को ब्रेक, शेडो ब्रेक भी कर देता है ऊपर, या फिर निकल के ऊपर निकल के क्लोज कर देता है, स्टे करता है, तो फिर ऊपर इसके आसपास 80 के आसपास जा सकता है, 80 से थोड़ा नीचे भी रह सकता है, तकरीबन जो है वो यहाँ तक भी आ सकता है 79 तक और 80 तक, इन दोनों एरियाज में से तकरीबन 79 और 80 तक जाने के बाद फिर दोबारा जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह की पोजीशन, यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया भी बनता है, अगर ये ऊपर गया तो फिर यहाँ तक इस जोन के आसपास आके शायद स्टे कर जाए, या फिर इसको ब्रेक भी कर सकता है, इस जोन के आसपास ही फिर जो है वो क्लोज हो जाएगा वीक का। तो नेक्स्ट वीक जो है वो आयल कुछ इस तरह ही नजर आ रहा है। अब इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर डिपेंडेड है कि मार्केट किस तरफ निकलती है। तो अब देख लेते हैं यूरो यूएसडी को।
यूरो यूएसडी को हमने जब पिछले वीक एनालाइज किया तो यहाँ पर था तकरीबन 1.090 के आसपास, और मैंने ये कहा था कि यहाँ से जो है वो इसके अपसाइड जाने के चांसेस है, यहाँ तक जा सकता है और यहाँ तक भी जा सकता है इस पिछले हाई के पास, और यहाँ से फिर जो है इसके रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे और ये नीचे की तरफ मूव करेगा और नीचे ये दोबारा जोन तक आने के चांसेस होंगे, और उसके बाद जो है वो दोबारा आप जा सकता है, और अगर ये जोन ब्रेक करता है तो फिर नीचे वाले जोन की तरफ मूव कर सकता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह की मूवमेंट हुई, पहले ये यहाँ से जो है वो ऊपर की तरफ मूव हुआ और यही एरिया तकरीबन जो मैंने बताया था इसके आसपास तक, यहाँ तक अगर हम देखें इसको तो इसके आसपास तक अपसाइड गया है, और अपसाइड जाने के बाद वही नीचे वाला जो एरिया था उसकी तरफ मूव किया। अभी टेस्ट तो नहीं दिया, यहाँ तक मैंने कहा था कि तकरीबन इस एरिया तक जाने के चांसेस होंगे, और थोड़ा बहुत आपको ये पिछली जो हाई लगा हुआ है इसके आसपास भी जा सकता है। यहाँ से फिर जो है वो रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट होने के बाद जो है वो दोबारा जोन के पास आएगा, और इसने अभी तक जोन टेस्ट तो नहीं किया लेकिन ये कि बिल्कुल जोन के करीब तक आया है, और यहाँ से होके दोबारा जो है वो ऊपर की तरफ जो है मूव की है। तो इस तरह की पोजीशन थी हमारी जो पिछली एनालाइज थी वीकली, उसमें अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरिया होंगे यूरो यूएसडी के। यूरो यूएसडी के अंदर जो है वो नेक्स्ट वीक तकरीबन सेम पोजीशन ही दिख रही है, क्योंकि अभी किसी लेवल की तरफ जो है वो कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो इसलिए कोई लेवल चेंज करने की तो मेरा ख्याल है जरूरत नहीं पड़ रही। अब यही है कि इस यहाँ तक आए और यहाँ से फिर जो है वो ये पोजीशन बन सकती है, और जिस तरह से ये समझ नीचे से जो है वो ये और रिजेक्ट हो रहा है, हो सकता है कि यहाँ से ऊपर भी चला जाए। इस तरह दोनों में से एक चीज हो सकती है, ये एरिया है यहाँ से ये दोबारा रिजेक्ट भी हो सकता है इसको टेस्ट करके, और अगर ये सीधा यहाँ से चला जाता है तो हो सकता है यहाँ से ये रिजेक्ट होके दोबारा नीचे आ जाए, और फिर यहाँ से हो सकता है कि दोबारा एक बुलिश मूव लगे, और अगर यहाँ से ये नीचे आता है इसको टेस्ट करता है, टेस्ट करके ऊपर जाता है तो फिर शायद इसका ब्रेकआउट भी लग सकता है। लेकिन ये कि आप तो यहाँ तक देख सकते हैं, अगर ये नीचे से सपोर्ट देता है तो ऊपर मेरा ख्याल है कि होल्ड करना फिर यही होगा कि अगर आप यहाँ से बाय में हैं और इसको ब्रेकआउट कर जाता है तो आप अपनी ट्रेलिंग एसएल यूज कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर अपनी टीपी रखें इसके नीचे, इस तरह की पोजीशन बन सकती है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे जो ये लेवल्स जोन बनाने का मतलब भी यही होता है कि आप अपनी जो एंट्री है वो आसानी से एसएल के साथ लगा सकें। मीन्स ये कि अगर ये मार्केट यहाँ आती है और यहाँ पर आपको स्टे शो करता है तो आपका एसएल नीचे होगा और बाय यहाँ से होगा, तो ये जोन इसीलिए बनाए जाते हैं, बस जोन से थोड़ा नीचे आपने रखना है अपना एसएल, अगर बाय है तो फिर ये इसका जो बॉटम है उससे थोड़ा नीचे एसएल, और अगर सेल कर रहे हैं आप तो इसके टॉप से थोड़ा ऊपर जो है वो आपको एसएल रखना है। इसी तरह से जो है वो ये इसी वजह से ये जोन बनाए जाते हैं ताकि जो है वो सबसे ज्यादा सिक्योर अकाउंट के लिए सबसे ज्यादा सिक्योर है सेल। हमारी जो सेफ्टी है एक ट्रेडर की सबसे जो अहम है या फिर वाहिद है, एक ही है ये, वो सेफ्टी सिर्फ और सिर्फ एसएल है। जब एसएल अगर आपकी प्रॉपर होगी, सही जगह पे होगी, तो आप जो है वो अच्छा काम कर सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी बाय एंट्री जो है वो सपोर्ट जोन के पास होनी चाहिए और सेल एंट्री हमेशा रेजिस्टेंस एरिया के पास होनी चाहिए। उसके दो बेनिफिट है, एक आपको एसएल छोटा मिलता है, दूसरी बात यह है कि वहां से टारगेट अच्छा मिलता है। तो इसी तरह से जो है वो ये उसी वजह से ये जोन बनाए जाते हैं। तो मेरे ख्याल में यूरो जो है वो मुझे नेक्स्ट वीक इस तरह ही लग रहा है। हाँ अगर ये जोन ब्रेक हो जाता, लग तो नहीं रहा लेकिन जिस तरह से ये पिछले वीक जो है वो इसने यहाँ मूव की है, लग तो नहीं रहा लेकिन फिर भी ध्यान में रखिएगा कि अगर इसका ब्रेकआउट होता है और नीचे स्टे करता है, मतलब एक क्लोज नहीं कम से कम दो क्लोज, अगर यहाँ से फास्ट आ जाता है और एक क्लोज नीचे कर देता है, दूसरा भी नीचे ही इसका रह जाता है, तो फिर ये नीचे आ सकता है। मैं लाइन तो नीचे नहीं लगा रहा लेकिन क्योंकि चांसेस कम है, लेकिन बाय
बता जरूर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट है, मेरे तो अंदाजे हैं, हो सकता है गलत भी हो, तो अगर मार्केट अगेंस्ट मूव कर जाए तो कम से कम ये जहन में हो कि हमें नहीं क्या कर देखना चाहिए। तो पोजीशन नजर आ रही है, अब देख लेते हैं गोल्ड को। गोल्ड को हमने जब पिछले वीक एनालाइज किया तो गोल्ड जो है वो यहाँ पर था 2440 के आसपास, और मैंने ये कहा था कि यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस हैं, ऊपर आप 50 से 55 तक देख सकते हैं इसको। और यहाँ पर दो चीजें हैं, अगर ये इस एरिया में क्लोज करता है, कोई क्लोज करके आता है यहाँ पर, तो फिर जो है वो 2431 से या फिर 2415 से, इन दोनों एरिया से कहीं से जो है वो बुलिश होने के चांसेस होंगे, जो 2480 तक होंगे। और अगर ये यहाँ से आ जाता है और 24 ऊपर कोई क्लोज नहीं करता और 2431 को ब्रेक कर देता है, तो फिर 2415, और 15 के नीचे अगर क्लोज लगता है तो फिर 2393 से 2884 वाला जोन होगा, और इसके ब्रेकआउट के बाद जो है वो 2353 से यहाँ पर जो है वो डेली एनालाइज में भी मैंने एक लेवल दिया था 2365 का, तो ये एरियाज होंगे। तो ये यहाँ से ऊपर गया है 50 के आसपास, और वहां से जो सीधा सेल हुआ है, सेल पहले इसने 15 पहले दिन 15 के नीचे क्लोज दिया, दूसरे दिन जो है वो 93 के नीचे, और तीसरे दिन जो है वो 84 के नीचे। लेकिन ये कि 84 के नीचे क्लोज देने का यही था कि ये 53 तक आना था, लेकिन ये पहले दिन ही 53 तक यहाँ 65 तक आ गया था, और एक माइनल जो यहाँ लेवल था 65 का, डे जो H4 के लेवल्स में उसी को जो है वो इसने टेस्ट किया था, लेकिन ये है कि काफी ऊपर ले जाके क्लोज किया, तो इसी वजह से इस एरिया से नीचे दूसरी बार नहीं आया, और यहाँ से फिर दोबारा बुलिश हुआ, और बुलिश होने के बाद जो है वो 2431 पे जाके क्लोज किया। तो इस तरह से जो है वो हमारी एनालाइज थी पिछले वीक, और मार्केट किस तरह मूव हुई वो भी आपके सामने है, और अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक गोल्ड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। नेक्स्ट वीक में गोल्ड की अगर हम बात करें तो 31 से ऊपर अभी तक क्लोज, ये नीचे जब ब्रेकआउट हुआ है तो उसके बाद क्लोज तो नहीं हुआ ये। अब दो पोजीशन हो सकती है ये, या तो मंडे को अगर ये ऊपर निकलता है तो फिर ये एरिया इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर इसको प्रॉपर टेस्ट करके रिजेक्ट हुआ तो यहाँ तक आएगा और यहाँ से नीचे जाने के चांसेस होंगे। 2417 से 9 का एरिया है, अगर इसके नीचे डे का क्लोज करता है तो ये दोबारा थोड़ा सा ट्राई करेगा ऊपर, और फिर इस तरह से होगा, लेवल ऊपर और नीचे दोनों ब्रेक हैं, ये फास्ट नीचे भी आ सकता है और इस तरह की मूव भी कर सकता है, ये आपको लेवल के ऊपर फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो का मतलब ये है कि अगर इसने ऊपर जाना हुआ तो 2409 के बिल्कुल आसपास क्लोज करेगा, और दूसरे दिन ये फास्ट ऊपर जाके फिर वहां से रिजेक्ट हुआ तो फिर नीचे आएगा, इस तरह होगा, और अगर सीधा जाना हुआ तो ये फिर आके क्लोज ही यहीं कहीं देगा और इसको टेस्ट कर लेगा, तो इस हिसाब से होगा। और ये जो 2390 का एरिया है ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, और 2390 के नीचे अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर 2368 से 2360 का जोन है, 53 तक भी मार्केट आ सकती है, ये नीचे का एरिया रहेगा, इससे नीचे फिर अगर लग तो नहीं रहा लेकिन मार्केट अगर जा सकती है तो उसमें फिर आप वीकली को जो है वो हमारी जो डेली एनालाइज है उसके हिसाब से नीचे के लेवल देख सकते हैं। और अगर ये इसको ब्रेकआउट कर देता है, इसको ब्रेक करता है यहाँ तक तकरीबन 55 56 जो है वो जाके, और फिर दोबारा नीचे आता है, तो फिर शायद हो सकता है कि ये 31 को टेस्ट करे, या फिर 31 को तो शायद ना करे, लेकिन हाँ ये है कि यहाँ से फिर दोबारा ये सपोर्ट बन सकती है इस तरह से, फिर 65 है और 65 से निकलता है तो फिर जो है वो 2480 से 2884 और इससे ऊपर जो है 2515, इस तरह की पोजीशन नजर आ रही है। अब नीचे अगर यह डाउन साइड निकला तो इस तरह से अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसने प्रीवियस जो हाई था उसके आसपास जाके वहां से रिजेक्ट हुआ है, नीचे की तरफ भी अभी प्रॉपर अगर देखें तो ये यहाँ पर सपोर्ट पे है, ये भी एक डे का लेवल है, और उसके बाद
पिछले वीक जो आया है वो भी ये जोन के अंदर शेडो लगा के ऊपर की तरफ गया है, तो कुछ भी हो सकता है। इस तरह की पोजीशन बन सकती है, या तो ये एक नया सेल ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है या फिर ये मजीद और ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि अगर तो ये इस एरिया को ब्रेक ना करता ये पिछले वीक में ये वाला, उससे अगले वीक जो ये ऊपर तक गया है 80 तक अगर नहीं ना जाता तो फिर तो चांसेस थे कि यहाँ से जो है वो ये एक सेल ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है। लेकिन इस टाइम कुछ भी नहीं कह सकते, सिर्फ आप हम लेवल टू लेवल ही मार्केट को देखेंगे कि कहाँ तक जो है वो क्या पोजीशन बन सकती है। हो सकता है ये 64-65 तक जाए और यहाँ से रिजेक्ट हो जाए और नीचे आ जाए, तो इस तरह से लेवल टू लेवल मार्केट को देखेगा। ये एक माइनर एरिया है 2417 से 9 वाला ये, और बाकी जो मेजर अगर देखें तो हमारे पास फिलहाल यही एरिया बनता है 2368 से 60 वाला, और ऊपर जो है वो 2480 से 84, ये भी एक मेजर ही है तकरीबन। लेकिन ये हमें इंडिकेट करेगा कि क्या मार्केट ऊपर रह सकती, ऊपर जाने की तैयारी कर रही है या फिर मजीद और नीचे, क्योंकि अगर ये ब्रेक ना हुआ इसको और इसके नीचे से रिजेक्ट हो गया और ये ब्रेक हो गया तो फिर ये एक सेल ट्रेंड की तरफ भी इशारा हो सकता है। तो इस तरह से जो है वो पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है, देख लेते हैं मजीद अगर ये इस एरिया से ऊपर निकलता है तो फिर बाइंग तो नहीं होगी, यहाँ पर बाय तो नहीं कर सकते, लेकिन यही है कि ऊपर से फिर जो है रिजेक्शन पे वेट करना, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो हायर आई का हाई एरियाज में चली जाए मार्केट तो वहां पर बाय करना तुक नहीं बनता, कोई पता नहीं है कहाँ से रिजेक्ट हो जाए और एक फास्ट नीचे की तरफ डाउन मूव लग जाए। इसलिए बेहतर होता है कि वहां पर हमें सेल देखना चाहिए और या तो फिर वेट करना चाहिए उसके एक नए हाई बनाने का, वो में फिर अगर इस ऊपर निकलता है तो फिर डेली में जो है वो लेवल बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि भले यहाँ पर मार्केट पहले नहीं गई लेकिन ये कि उम्मीद है मैं आपको प्रॉपर लेवल दे दूंगा अगर ये 84 से ऊपर निकलता है तो, और पहले भी देता रहा हूँ जब ये नए हाई बने हैं स्कैन, जब यहाँ कोई मार्केट की मूवमेंट नहीं थी तब भी मैंने ये एरियाज दिए हुए थे, जहाँ तक मार्केट उन एरियाज को फॉलो किया है आप देख सकते हैं। इस एरिया में जब मार्केट फर्स्ट टाइम आई थी तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो मुझे इन तीनों पेयर्स के अंदर इस तरह की पोजीशन बनती नजर आ रही है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा। Thank you.